सरकार की अटल टिंकरल लैब योजना का लाभ गोरखपुर में भी देखने को मिलेगा। सरस्वती शिशु मंदिर के परिसर में इस लैब का निर्माण शुरू हो चुका है और जिस दिन ये लैब बनकर के तैयार हो जाएगा, रोबोटिक लैब के माध्यम से विज्ञान के विद्यार्थियों को प्रयोग करने की नई नई विधा की जानकारी होगी और यही जानकारी भारत के भविष्य में शोध को एक नया आयाम देगी। मुकेश पांडे, ईटीवी।